मेरे प्रिय छात्रों, आज हम केमिस्ट्री एकेडमी चैनल्स के अंदर लेकर एक नया टॉपिक आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ आप इसको अच्छे से अध्ययन करना और समझने का प्रयास करिएगा। जो ये टॉपिक है, इसको जब समझेंगे तो आपको हर पॉइंट्स जो भी हैं वो क्लियर होते चलेंगे, जब इसको कंप्लीट वीडियो को वॉच करेंगे तब। ओके, तो आप इसको जो भी चीज़ें हैं इसको ध्यान से समझते चलें। जो दिया गया है ये है क्या चीज़, उसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ओके, तो जो भी टॉपिक हम रखे हैं वो सब एनसीईआरटी से कलेक्टेड टॉपिक है, एनसीईआरटी से चुने गए हैं। आप इसको अच्छे ढंग से समझते चलिएगा। आइए हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल क्या था उसको समझेंगे। रदरफोर्ड ने सबसे पहले गोल्डेन के एक पतली पन्नी को लिया और उस पन्नी पर अल्फा पार्टिकलों की बौछार कराया, तो उसमें से जो है अल्फा पार्टिकल कुछ जो है सीधे निकल गए और कुछ जो है उससे विक्षेपित हुए और कुछ जो है उससे उस अल्फा पार्टिकल से टकराने के बाद बैक रिफ्लेक्ट हो गए। तो ये सारे चीज़ ये बताता है कि इससे रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष निकाले, कहे कि यानी अल्फा पार्टिकल को जो है जब उनसे होकर बमबारी कराया जाता है तो कुछ सीधे रेज बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकल गई और कुछ जो है उसको टकराते हुए निकली और कुछ जो है उसके बिल्कुल मिडिल से होकर जब गई तो उससे डिफ्लेक्टेड हो गई अल्फा पार्टिकल्स, यानी विक्षेपित हो गई और कुछ जो है बैक साइड में आ गए और इससे जो है जो उनके बीच में जो एंगल बने वो 180 डिग्री का बना और डिफ्लेक्टेड जो पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा भी जो एंगल बने वो 180 डिग्री का बना। तो इस तरह जो है उन्होंने बताया कि ये अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वह जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और एटम के न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस तरह कोई भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उससे जो है वो चार्ज को डिनोट करने के लिए उन्होंने कहा कि उस पर जो चार्ज होता है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है और उनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इस तरह जो एटम जो होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, यानी यह विद्युत चुंबकी के आधार पर यह उदासीन कण होता है जो किसी भी परमाणु का सूक्ष्मतम कण होता है, जो वह विद्युत उदासीन होता है। इस तरह परमाणु भी विद्युत उदासीन होता है। तो आपने इसको बड़ा ही अच्छे ढंग से समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कलम और कॉपी ले लीजिए, क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर चेक कराइएगा। ओके, तो क्वेश्चंस राइट कीजिए, लिखना प्रारंभ कीजिए। क्या है रदरफोर्ड नाभिकीय परमाणु मॉडल? क्या है रदरफोर्ड नाभिकीय परमाणु मॉडल, इसका व्याख्या कीजिए। ओके, थैंक्स।